जास्त वेळ वाया जाणार नाही याची आपण काळजी घ्या जेणेकरून एक चांगलं क्रिकेट आणि पंचवीस वर्ष आपण आहे या एन सी चषकातलं रोप्य महोसे वर्ष जे आपण बघतोय त्यावेळेला दर्जेदार क्रिकेट नक्कीच जे पाहिलं जाईल मॅटला होईल सुरुवात त्यावेळेला आवाज ऐकू ऐकू येईल कॉमेंटरी बॉक्समध्ये आमचे समालोचक मित्र आहेत झहीरबाई यांचा आवाज ऐकू येईल एक ब्रेक घेतोय आणि या ब्रेकमध्ये आपण गाणं घेऊया आणि पुन्हा एकदा येऊया या मॅचच्या दिशेनं आजच्या दिवसातला हा पहिला मॅच आहे आणि पहिल्या दिवसातील पहिला मॅच जिथून सलामीची जोडी मैदानावरती दाखल झाले और फिर से एक बार हमारा सलाम अदाबागतम आज अदाब देख रहे हैं एनसीसी ट्रॉफी 2024 का थरार महासंग्राम और आज का तीसरा दिन और आज तीन फरवरी 2024 जतिन गेंदबाजी पर तैयार होते हुए विलास और पंकज ये जोड़ी मैदान पर सलामी आई है बिग फाइट बिग लड़ आपको देखने को मिलेगी एक तरब लाजवाब बल्लेबाज जतिन और एक तरफ आकाश भी हैं इखला जवाब क्रिकेट की मेजबानी क्रिकेट का महासंग्राम फिर से सभी को हमारा नमस्कार सलाम आदाब है स्वस्वागत हम डी बन लाइव पर तमाम दर्शक जुड़े हैं वो तमाम दर्शकों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है नारंगी ग्राम सभा नारंगी के जानेब से तीसरे दिन का ये पहला मुकाबला तीसरा दिन इखला जवाब अंदाज में आज तमाम चंदसार के तमाम खिलाड़ियों का सितारों को देखने का मौका मिलेगा तमाम हमारी जनताओं को तमाम हमारे डीब एंड लाइव पर तमाम दर्शक हमें जुड़ेंगे वो तमाम दर्शकों के लिए और कल से फिर इस मैदान पर एक महासंग्राम एक गॉड फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा जतीन गेंदबाजी पर अंपायर का इशारा आता हुआ 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 मैच ऑन होता होता प्ले यह मुकाबला संगला दोनों टीमों को हार्दिक हार्दिक बताइया पहली गेंद जतीन की इस मैदान पर पंकज शॉर्ट गिनती बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रहस था बैट और गेंद का कोई समय गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर जुबती हुई डॉट बॉल एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ यह मैच अब दोनों टीमें पैकेज की तरह हमने सामने बहुत बार खेल चुके हैं आपको है। नजर आते हुए इसी मैदान पर एक लाजवाब खेल जतीन के द्वारा हमने देखा था मगर गेंदबाजी का जलवा भी करते हुए जतीन बेहतरीन गेंद्रम का बाहर निकलती हुई दोनों हाथ हम पार खोलते हुए व्हाइट का इशारा आता हुआ स्टार रन के साथ रंग संख्या में वृद्धि होती हुई एक रन के साथ खाता खुलता हुआ स्टार रन एक एक रन आपको बचाने पांच ओवर का मुकाबला दो ओवर पावर प्ले भवानी टीम हमारी टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी बेहतरीन गेंद थी विकेट के ऊपर से मंडलाती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल एक लाजवाब गेंदबाजी जदीन द्वारा देखने को मिलती हुई वहां पर अभी तक बल्लेबाज लड़ रहे हैं पंकज मगर खाता खोलना होगा लाजवाब गेंदबाजी का जलवा होता हुआ जदीन द्वारा मैंने कहा ना ये दोनों टीमें पैकेज की तरह आज अपने खेल का जलवा भी करना होगा ये नारंगी का मैदान है आप देख रहे हैं एनसीसी ट्रॉफी 2024 25वां साल गेंद जतिन की इस मैदान पर पंकज खिलाती भी बैकफुट पर जाकर पॉइंट ढूंढना चाहते थे बैट और गेंद का कोई समझ नहीं गेंद के दस्तान में बॉल लाजवाब गेंदबाजी जतिन द्वारा होती हुई पंकज इस मैदान पर लड़ रहे लड़ना होगा क्योंकि गेंद पर जाकर बल्लेबाजी मैरट पर बल्लेबाजी का जलवा दिखाना होगा क्योंकि यह पहला मुकाबला है सुबह का क्षेत्र है अब देख रहे नारंगी का मैदान विशाल पाटिल बैटिंग का नॉन्न स्ट्राइपर अभी तक है स्ट्राइक पर आएंगे बेहतरीन बल्लेबाज है बल्लेबाजी का जलवे बिगड़ने हो गए पंकज की लग गेंद जतीन द्वारा राइट अमर से गेंदबाजी करते हुए जतीन शॉर्ट गेंद गेंदी साइड खेलना चाहते थे पंकज गेंद और बल्ले का संबंध नहीं कर पा रहे गेंद विकेट कीपर के दस साल में डॉट बॉल लाजवाब गेंदबाजी का नजारा बेच होता हुआ जतीन द्वारा अभी तक दो गेंदे आने बाकी है चार गेंदों में एक वाइड आया है बेहतरीन गेंदबाजी की है जतीन ने अभी तक मगर पंकज को खुलने का मौका नहीं दे रहे हैं पावर प्ले चलता हुआ पावर प्ले में आपको खुलना होगा पावर प्ले का जलवा दिखाना होगा एक टारगेट सेट करना होगा अगली गेंद पंकज के लिए जतिन द्वारा अच्छी खेलती थी अंदर के करीब हल्कों से खेला गेंद कवर रीजन पर जाती हुई जब तक तो गेंद को फील किया जाएगा एक रन के साथ अब पंकज ने अपने खाते को ओपन किया टीम को पहुंचा दिया दो रनों पर विकास पाटिल सर जी के जानी से विशाल पाटिल के लिए बैक टू बैक का एक सिक्स के लिए हजार रुपए का इनाम आया है और चौके के लिए पांच सौ रुपए का इनाम आया है देखना होगा विशाल बाड़ी कल पाएंगे जतीन करने देंगे ये करना होगा क्योंकि अपनी टीम को एक रन संख्या जोड़नी होगी एक खाता खुला है मगर वहां पर एक टारगेट है क्योंकि सामने भी एक टीम ताकत वाली मजबूत टीम इस मैदान पर फील्डिंग करती हुई नजर आ रही है जतीन की गेंद गे बैट का किनारा विकेट कीपर का सारा बल्लेबाज विशाल पाटिल की खेली को विराम बल्लेबाज कौन कमांडीज है जे फिर से सभी खिलाड़ी तमाम दर्शक तमाम जनताओं का नारंगी ग्राम सभा नारंगी एनसीसी ट्रॉफी 2024 हजार आए हुए सभी खिलाड़ी तमाम दर्शक फिर मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है पहला विकेट गौन होता हुआ यहाँ पर अभवानी बड़ा टीम का विशाल बाड़े लगौन देखिए बेहतरीन गेंद थी पूल करना चाहते थे विशाल मगर वहां पर नाकाम रहे और अब न्यू बैटर मैदान पर बैटर जतीन नॉक स्ट्राइक पर उन साइड पर गेंद को खेल दिया है गेर जाएगी सी मारेगा के बाद छह रनों के लिए फर्रार है। गेंद गेंदबंद की थी वहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी पंकज द्वारा और ये बल्लेबाजी का जलवा होना चाहिए क्योंकि एक टारगेट सेट करना है देखिए बेहतरीन शॉट सीधे नारंगी क्रिकेट मंडल नारंगी के बैनर पर जाकर गेंद खेलती हुई के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील किया जाएगा एक नासान से बुरा अब बल्लेबाजों को यहां पर अब बल्लेबाजी का जलवा दिखाना होगा एक टारगेट सेट करना होगा स्ट्राइक पर हैं नए प्रकाश सर जी का भी आगमन हुआ है एक बेहतरीन खिलाड़ी एन नारंगी मास्टर है ब्लास्टर मगर अपने करियर में खेल का जलवा बिगड़ने वाले ये तमाम युवा खिलाड़ी जब रहे मगर आज मास्टर के लिए एक बेहतरीन खेल का जलवा बिगड़ रहे हैं मगर युवा खिलाड़ी अब यहाँ पर गेंदबाजी का जलवा बिगड़ना होगा जतन की लगे गेंद शॉर्ट गेंद थी फाइनली खेलना चाहते थे अपील हुई अंपायर के पास हम्पायर ने नकारा गेंद और बल्ले का कोई संबंध नहीं गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल पंचात नहीं पंचा जी को बात करू ना अशी तुम्हारा विनंती कर सहतरीन एनसीसी ट्रॉफी दो हजार चौबीस पच्चीसवां वर्ष अब बात है अलीला तमाम क्रिकेट रसिक प्रेक्षक अलीला पावन का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत दर्पण की के अगली गेंद जतिना के लिए आती हुई शार गिनती पूरी कर हम इस हवा में खिलाड़ी इसको आले पर है ले लिया बल्लेबाज जतिन की खेली को विराम गॉन कमांडीज़ न्यू बैटर सचिन मैदान पर दाखिल हो रहे हैं अब बल्लेबाजी का जलवा दिखाना होगा मैंने कहा ना इस मैदान पर आपको एक टारगेट सेट करना होगा सुबह का क्षेत्र है एक क्या विकेट जतीन को मिली उसके बाद दर्पण को एक विकेट लेने में सफलता हासिल दो बल्लेबाज मैदान के बाहर सचिन पर अगली गेंद के तैयार शॉट थी सफल होकर फाइनल खेलना चाहते थे बैट और गेंद का कोई समझ नहीं गेंद विकेट की भर के दस्तान में डॉट बॉल एक एक डॉट गेंद पेशर में डालेगी और पेशर में कोई बिगड़ता है तो कोई निकलता है मगर लड़ना होगा पसीने कबाने पड़ेंगे क्योंकि दोस्तों ये क्रिकेट का महासंग्राम है एनसीसी ट्रॉफी दो का थरार है इसमें अपने खेल का जलवा भी करना होगा लड़ना होगा अगले गेंद सचिन गिरे औसन तो पर गेंद हवा में कैच के लिए आ रहे हैं ड्रॉप? गेंद गेंद क्षेत्र में जाती जब तक खिलाड़ी जाकर को फील कर पाएंगे दो रन आसान से पूरे होते हुए इस दो रन के साथ सचिन ने अपने खाते को ओपन किया टीम को पहुंचा दिया ग्यारह रन ओवर दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है तीसरी ओवर की कहानी शुरू होगी मगर एक ब्रेक दे है छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद आते हैं मैदान के और कमांडीज शुक्रिया डीजे थैंक यू धन्यवाद आये तमाम क्रिकेट प्रेमी तमाम दर्शकों का फिर से वेलकम स्वागत है नारंगी ग्राम सभा नारंगी के जानी से ये तमाम हमारी कमेटी मेम्बर एन सी सी ट्रॉफी दो हजार चौबीस का तरह यहाँ नंतर होना सामना धोनी संघ के कर्णधार पर अपन तैयारित रहा अक्षय इलेवन ढोंगरपाड़ा दस हजार वी ट्वेंटी फोर बॉइज चंदा सार ये धोनी कर्णधार अपने विनंती अपन धोनी संघ तैयारित रहा पांच षटक नानी फीकी का कॉल हुई डीबी लाइव पे तमाम दर्शक हमें सुन रहे हैं। देख रहे वो तमाम दर्शकों का दिल के घेरा से इस्तेबाल है सुबह का क्षेत्र है सटरडे का दिन तीन फरवरी 2024 हजार आप देख रहे हैं एनसीसी ट्रॉफी 2024 का 25वां वर्ष अब बात है निशांत गेंदबाजी बनाए हैं टीम के लिए तीसरा और अपने लिए पहला और लेगा पंकज स्ट्राइक पर बेहतरीन शोर मेरा ऊपर खेला है गेंद हवा हाँ में खिलाड़ी वहां पर है कैच बनेगा तो मैच बनेगा क्या ड्रॉप आप हाँ ना में कॉलिंग टूटी है कैच भी छूटा है दिल टूटा है मगर यहाँ पर लड़ना होगा क्योंकि कैच के लिए कॉलिंग और रनिंग विकेट के लिए रनिंग होनी चाहिए मगर वहां पर कॉलिंग नहीं टूटना चाहिए यहाँ पर दोनों खिलाड़ी देखते रहे और गेंद जमीन को धरती होती हुई दो रन निकालने का मौका पंकज को मिला है मौका कितना फायदा उठाएंगे क्योंकि एक एक कैच जीवन के हिसाब में बहुत कीमती है कैच विन द मैचेस कैच चुडा है मैच नहीं चुनना चाहिए अगली गेंद पंकज के गेंद को आउटसाइड पर खिलाड़ी है अक्षर ले लिया कैच बल्लेबाज कौन विकेट गिरता हुआ और इखला जब आप कैच वहां पर देखने मिलता हुआ मिड विकेट पर और बल्लेबाज पंकज की खेली को विराम तीसरा गड़ी बात इखला जब आप क्रिकेट की मेजबानी क्रिकेट का मासग्राम है तीसरा कड़ी तम्बू छियां बात है भवानी टीम की उम्मीदों को यह तीसरा जड़का लगा है का टीम के गेंदबाज और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे हैं मगर वहां पर टॉस जीता था फील्डिंग करने का फैसला भी लिया था वो साबित होता हुआ मगर बल्लेबाजों को खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं सचिन और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं प्रवीण पाटिल एक बेहतरीन बल्लेबाज है जलवा दिखाना होगा लड़ना होगा बेहतरीन गेंद गेंद को आउट साइड पर मोड़ दिया मिड विकेट पर क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे दो रन आसान से पूरे कर जाएंगे दोनों बल्लेबाज इस दो रन के साथ इसको आगे सरकता हुआ फिफ्टीन पंद्रह रनों पर तीसरा ओवर बी पर चलता हुआ गेंदबाजी पर है क्रिकेट की मेजबानी क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं एनसीसी ट्रॉफी 2024 का थरार आउटसाइड पर खेलना चाहता है खिलाड़ी है ले लिया कैच और एक बल्लेबाज विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत आता हुआ कितनी बेहतरीन गेंद थी मगर बैक फुट पर जाकर जगह ढूंढना चाहते थे गेंद बल्ला पर बल्ले पर आई नहीं गेंद मिड ऑफ कर खिलाड़ी के हाथों में और एक विकेट का बदन होता हुआ चौथा विकेट ठीरता हुआ अरे भवानी मैंने बड़ा टीम का मगर अब बैकअप करना होगा एक सादी जारी जोड़नी होगी बल्लेबाजी के जलवे दिखाने होंगे क्योंकि ये पहला मुकाबला है सुबह का क्षेत्र है चला धोनी करना था विनंती रहा डोंगा ट्वेंटी फोर चंद्र सार अपने ला विन यह नजर होना सामना है बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई निशान बोही गेंदबाजी पर एक कट करना चाहते थे बल्लेबाज मगर बैट और गेंद का कोई समय नहीं गेंद विकेट कीपर के दस में डॉट बॉल अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ निशान बोही द्वारा एक लाजवाब टीम इस मैदान पर फील्डिंग करती हुई नजर आ रही है जिन्होंने टीम के लिए बेहतरीन योगदान दिए हैं बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी ऑलराउंडर खिलाड़ी बनकर उभरना होगा टीम बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी अब हम्पायर घूमेंगे दोनों हाथ को अपने फैलाएंगे व्हाइट का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ टीम की रन संख्या में बढ़ती होती हुई अच्छी गेंदबाजी का नजारा नजरता थोड़ी सी गेंद टप्पा गेंदने के बाद कट होती हुई ऑफ स्टंप के बाहर हुईट का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या वन सिक्स सिक्सटीन सोलह रनों पर जाती विलन टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है बेहतरीन में खोद कर निकालना चाहते थे मगर गेंद पैर पार में लगकर शॉर्ट टर्म एंड विकेट कीपर ने जाकर गेंद को क्लिक किया ओवर नंबर तीन का खेल समाप्त होता हुआ रंग संख्या है सिक्सटीन आने वाली दो ओवर की कहानी क्या होगी एक ब्रेक के बाद मैदान के ओर कमांड कमांडीज बेहतरीन गेंदबाजी तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ है सोलह रन बने हैं मगर आप बल्लेबाजों को घेर खोलना होगा एक टारगेट सेट करना होगा सुबह का क्षेत्र है लड़ना होगा क्योंकि पहले मुकाबले को आप गवा देंगे तो पूरे इंतजार की घड़ी आ गनी होगी एनसीसी ट्रॉफी 2024 हजार आप देख रहे दो हजार तक आपको इंतजार करना होगा सचिन के लिए भी इनाम आया है हर सिक्सर के लिए हजार रुपए है शोर गेंदी पूल करना चाहते थे बैटर और गेंद का कोई समय नहीं गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई एक एक पेशर में डालेगी आपको बल्लेबाजी का जलवा भी करना है क्योंकि सोलह रन इस मैदान पर आपने बना है। तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ है चौथी ओवर की पहली गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई आए हैं गेंदबाजी बा... गेंद गेंदी गेंद को खेला गेंद फाइनल एक पर जा रही है खिलाड़ी गेंद वहां जा कर पाएंगे मगर उनके आवा के बाहर गेसी मारे के बाहर चार रन के लिए फरार अब सिक्सर जोड़ना होगा और वहां पर सिक्सर आएगा तो यहां पर हजार रुपए भी मिलेंगे मगर बल्लेबाजी का जलवा भी करना होगा दाव संख्या होते बड़ा दाव संख्या होते चालू शॉर्ट गेंद थी फिर सफल होकर खेलना चाहते थे बैट और गेंद का कोई समा नहीं देखिए हर गेंद पर आप सिक्सर और चौके नहीं जोड़ सकते अच्छी गेंद है उसका सम्मान पूरी गेंद का अपमान करिए सिंगल है सिं� डबल है उसको रोटेट भी करना चाहिए क्योंकि ये क्रिकेट की बेसिक मानी गई है बेसिक को बोल जाएंगे तो बहुत कुछ बोल जाएंगे दोस्तों ये बेसिक को याद रखना होगा झलवे दिखाने होंगे सचिन के लिए अगली गेंद आती हुई शॉर्ट गेंद थी पर जाकर गेंद को खेला बल्ले पर बराबर आई जमीन शेयर करती हुई गेंद डीप स्कॉल से खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे एक रन आसानी से पूरा होता हुआ एक रन के साथ रन संख्या में बढ़ती रन संख्या ट्वेंटी वन शार्ट विकेट के नुकसान पर अपरा टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है चौथा और पकड़ पर चलता हुआ चार गेंदों का खेल मैदान पर पूरा होता हुआ दो गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर रहना बाकी टोटल आठ गेंदे हैं आठ गेंदों में आपको 20 से 25 रन जोड़ने होंगे एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करना होगा अपने गेंदबाजों को लड़ने के लिए ताकत देनी होगी अधिक है स्ट्राइक पर कट करना चाहते थे बैकफुट पर जाकर मगर बैट और गेंद का सम्मान नहीं कर पाए गेंद विकेट कीपर के दस में क्या बेहतरीन गेंदबाजी दर्पण द्वारा होती हुई गेंदबाजी का जलवा होता हार्दिक है स्ट्राइक पर मगर जलवा दिखाना होगा सात गेंदे आपके पास बची है ट्वेंटी विकेट आपने गवाए हैं, मगर आप बल्लेबाजी का जलवा करना होगा एक एक रन के लिए कीमती है ये मुकाबला आप जानते हैं जीवनशाला का एक मार्क्स राजनीति का एक मतदान बहुत कीमती है वैसा जीवन क्रिकेट में एक रन की कीमत बहुत बड़ी है दोस्तों बेहतरीन शॉट बैकफुट पर गए ऑनफील्ड के ऊपर से पॉइंट कर खेल दिया गेंद डी पर खिलाड़ी का पीछा करे उनके आवाके के बाहर सी मारे के बाहर चौकार कमांडोज है थैंक यू नेक्स्ट मैच धोनी कर्णधार अपने चला टॉस सा षटका कॉल हो चंद सार धोनी कर्णधारा ना ये तीसरी फुकार है कर्णधार विनंती कर बिग फाइट बिग लड़दा सचिन स्ट्राइक पर है इनाम आया है आप अगर एक सिक्सर झड़ते है तो हजार रुपया एक चौके पर पांच का इनाम है लड़ना होगा आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए अतुल आए गेंदबाजी अखराबादी गाई करा ला जब आप क्रिकेट की मेजबानी क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं अगली गेंद अतुल की इस मैदान पर सचिन की लिया पर गेंद को खेला खिलाड़ी है इसको लग पा ले लिया क्या सचिन की खेले को भी लगा दिया वीराम बल्लेबाज कौन कमांडीज है शुक्रिया डीजे देखिए बेहतरीन शॉट आ मिक्स टाइम शॉट ताकत थोड़ी सी कमी पड़ती हुई सचिन मैदान के बाद पांचवा झटका लगता हुआ यहाँ पर टीम के उम्मीदों को ये पांचवा झटका है मगर एक लाजवाब गेंदबाजी यादुल द्वारा होती हुई नहीं बैठा मैदान पर रागिल होते हुए जतीन आएंगे बेहतरीन जतीन नाम के बहुत ही खिलाड़ी आप देख रहे हैं मैदान पर एक जतीन अब फील्डिंग पर देखते हुआ मिलता हुआ बल्लेबाजी पर जदीन है अतुल की अगली गेंद खेलता यार आउटसाइड खेलने गए ताकत थी मगर बैट और गेंद का कोई समय नहीं गेंद विकेट कीपर के, के दस्तान में डॉट बॉल अच्छी गेंदबाजी अतुल द्वारा पहली गेंद पर विकेट उसके बाद अपना तो बढ़ाते हुए नजर आए गेंद बिंदी आती हुई चार गेंदों का खेल बचा है स्कोर आप देखेंगे तो ट्वेंटी फाइव में पांच टीम अब बल्लेबाजी का जलवा भी करना होगा

बैटर आए हैं तीन गेंदों का सामना करना है मगर तीन गेंदों में एक से दो बड़े शॉट एक टारगेट सेट करना होगा लड़ना होगा लड़ना इस मैदान मैदान पर पर क्योंकि दोस्तों मुकाबला बहुत कीमती है आपके लिए क्योंकि बड़ी इनामों की राशि का यह टूर्नामेंट आप खेलने आए हैं और एनसीसी ट्रॉफी दो हजार चौबीस का तरार है पंचवीस तो बिग फाइट बिग ब्रो आप देख रहे हैं अगली गेंद इस मैदान पर सागर के लिए आदि भी कट करना चाहते थे अतुल की गेंद को मगर बैट और गेंद का कोई समय नहीं गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर चुकती हुई बॉल दोन चेंडों का खेल आधुनिक बाकी है अतुल इस मैदान पर गेंदबाजी का जलवा भी कर रहे। पहली गेंद पर विकेट दूसरी गेंद पर बिंदी तीसरी पर विकेट और चौथी बिंदी आई है पांचवी गेंद की कहानी क्या होगी इस मैदान पर फिर रनअप में चुकते हुए नजर आए पेशर है क्योंकि दोस्तों यहां पर पहला मुकाबला है मगर हर टीम के लिए पेशर बढ़ता हुआ नजर आए क्योंकि बड़ी इनाम की राशि का एनसीसी ट्रॉफी चौबीस का एक रंग आसान से दूसरे रंग की रन का मौका बन सकता है बेहतरीन उतनी बेहतरीन रन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा इस दो रन के साथ स्कोर आगे सकता हुआ ट्वेंटी सेवन विकेट के नुकसान पर हमारा टीम थोड़ी सी अभी भी, भी बैकफुट पर है आखिरी है सागर गेंद को सीमा रेखा दिखाएंगे या अतुल बल्लेबाज को डगावट का रास्ता दिखाएंगे करना होगा सागर को मगर अतुल उतनी बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा भी कर रहे हैं अपने टीम के लिए आखिरी गेंद चेंडू या मदिल या विनिंग गेंदिंग खट कर दिया लगा गेंद पर है खिलाड़ी जब तक गेंद को करते एक रन निकालने का मौका थोड़ा सा ब्रेक शुरू आता हुआ और एक को दो में तब्दील करते हुए भागने भाग भागने की जरूरत है होते ट्वेंटी नाइन तीस गेंदों में तीस रन बनाने हैं जवाब देना होगा मगर काम आ जाइए दोस्तों एक टॉस के लिए जरूर हम आएंगे मगर एक ब्रेक के बाद हमारे डीजी ऑपरेटर को देंगे मौका कमांड डीजे अपन पहात है तो तीस चेंडू में तीस दावा करायात दोनों कर्णधार अपने ला विनंती चला टॉस बॉक्स में अक्षय इलेवन डोंगरबाड़ा टीम आ वी ट्वेंटी फोर चंदसार अपने ला विनंती के लिए जैसे टॉस या हे अपने साचवी पुकार है मित्रान तुरी दिया दस उशीर करू नका चांगली षटक सामने आम नक्कीद कमिटी विचार के लिए षटकानी सामने पूर्ण करू अला विनंती करते है टॉस बॉक्स में तुरी दिया वेलकम बॅक पुन्हा आलेले सर्व खेळाडू प्रेक्षक मान्यवरांचं या मैदानावरती सहर्ष स्वागत आहे आपण तर हे रोपे महोत्सव वर्ष क्रिकेटचा महासंग्राम अर्थात नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ आयोजित आहे चषक दोन हजार हा असा तिसरा दिवस आहे पंचवीस वर्ष खेळाची पंचवीस वर्ष या एकजुटीची टॅगलाईन आहे सलामी सलामीश चला मैदानाच्या दिशेनं आपण या दोन संघादरम्यान हा मॅच आहे दोन संघादरम्यान सा स सामना एका बाजूला आई भाव मारंबलपाडा टीम आहे तर दुसऱ्या बाजूला जयदुर्गा रायपाडा चला दोन्ही कर्णधार तर आपल्याला विनंती करतोय आपण टॉससाठी या अक्षय डोंगरपाडा आणि वी ट्वेंटी फोर बॉईज छंद सा, सार अक्षय नक्कीच आलेले आहेत आपली एक चांगली व्यक्ती आपण पाहतोय त्यांच्या माझा एक टुर्नामेंट कव्हर करण्याचा भेटला हो होता आम्हाला समारोस करण्याची संधी भेटली होती धोनी कर्णधार चला या टॉस साडी आणि अतिथी या नाणेफिकीचा कॉल येणाऱ्या तीस चेंडू आणि तीस जावांचा आवाज जयदुर्गा रायबाडा इलेव्हन या संघाला संघाला हार्दिक शुभेच्छा दोन्ही हार्दिक चलेंगे कॉम बॉक्स हमारे जबाहेर मागे सर जी धन्यवाद चला आपण टॉसच्या दिशेने जाणार मॅचही सुरु होतोय अशा दोन संघादरम्यानला मॅच आहे दोन वर्ष अगोदर याच मैदानावरची एक स्पर्धा पहिल्यांदा एन सी सी ग्रामीण चषकाचं आयोजन केलं होतं वीस एकवीस बावीस एप्रिल दोन हजार बावीसला ला आणि त्या स्पर्धेमध्ये जो फायनल विजेता विजेता संघ होता तो जयदुर्गा रायपाडा टीम होता दोन वर्षे अगोदर वीस एकवीस बावीस एप्रिलला जो एन सी सी ग्रामीण चषक होता तिथून विजेता होता आणि त्याच्यातला बेस्ट बॅट्समन जो होता सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय अक्षय ज्यानं बेस्ट बॅट्समन अर्थात सर्वोत्तम फलंदाज म्हणून ज्यानं किताब घेतला होता तर नुकताच शिरगावच्या मैदानावरती एक मोठी स्पर्धा वसई तालुक्यातील एक चांगल्या संघाला पराभूत करून हा आईभावानी संघ संघसुद्धा इथे आलाय आत्मविश्वास त्यांचाही आहे मॅचला होते सुरुवात हलक्यात हलक्याच्या मुला खेळतो खेळतोय बघा धावफलकावरती इतक्या धावा नाही जितक्या तुम्ही करता विचार केला पण इतक्या धावा आहेत इथून तुम्ही लढू शकता झुंजू शकता प्रतिस्पर्ध्याला झुंजावला लावू शकता हाच विचार आई भावाने मारामला पाडा टीमला इथून गोलंदाजी करायची आहे तर दुसऱ्या बाजूला दोन हजार बावीसला ला जिंकलेलं विजेतेपद याच मैदानावरती एन सी ग्रामीण चषकातला तो खेळ पुन्हा एकदा जयदुर्गा रायपाडाला या मैदानावरती आज दाखवायचं आहे तर जयदुर्गा रायपाडाला आपला खेळ तो दाखवायचा आहे पहिल्या शाटा हाताळण्यासाठी तिथून गोलंदाज तयार आहे जतीन पाटील आणि अनिकेत मात्रे जोडी मैदानावरती जे अनिकेतला आपण पाहिलं होतं त्या एनसी चषकामध्ये इन्साईट आउट्स ऑफ आठ का केव्हा डोक्यावर चेंडू के खेळतो चेंडू साला बॉटलाईन जवळ क्षेत्र शक्तीतून करतोय लागतो जो, ला करतो जो फील्ड करतील दोन दबाहे चेंडूवरती पूर्ण ज्या स्पर्धेची आठवण आम्ही करतोय वीस एकवीस बावीसला जी स्पर्धा याच मैदानावरती एन सी सी ग्रामीण चषक पार पडला होता त्यावेळेला जयदुर्गा रायपाडांना फायनल जिंकलं होता पण त्या फायनलच्या मॅचमध्ये फायनलचा मॅन ऑफ द मॅच होता अनिकेत अनिकेतनं त्या फायनलच्या मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच घेतलं होतं सामना वीर म्हणून ज्याला पाहिलं होतं तसं अनिकेत सध्याच्या घडीला आहे ज्याने चांगली बॅटिंग फायनलच्या मॅच मध्ये केली होती तो सध्याच्या घडीला एंडला सज्ज झालाय जागा बनवून जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न कट कर, करण्याचा प्रयत्न जरूर केला पण तितकी जागा हो नव्हती थोडस आत येणारा चेंडू होता जतीन पाटील बघा तुम्हाला कसं खेळायचं आहे आई भवानी मारमाला पाडा टीमला या तीस धावा आहेत ना पंच या पंचेचाळीस आहेत या उद्देशानं खेळायचं नाहीये तर तीस धावा पंचवीस आहेत या उद्देशानं तुम्हाला खेळायचं आहे की नाही करून देणार या धावा तुम्हाला नाही करू शकत जयदुर्गा रायपणा कसा खेळणार की तीस धावांचा वन आहे पण या पुढच्या चार षटकामध्ये आम्हाला करायचे आहेत या उद्देशानं तुम्हालाही खेळायचं आहे हो सुंदर चेंडू सुंदर चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर होता एक एक निर्धाव चेंडू होता व्हाईट बॉलचा इशारा तिथून आलाय व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय तुम्हाला लाईन ॲड लेन तिथून हाताळायची आहे आणि ती लाईन ॲड लेंथ हाताळत असताना टप्पा तुम्हाला व्यवस्थित आता मागचा चेंडू पाहिला होता जरा जस्ट जस्ट आपण बघतोय जी वाईट लाईनची रेषा आहे त्या दिशेनं बरोबर चेंडू गेलाय वाईट लाईनच्या बरोबर त्या रेषेवरनं चेंडू गेलाय स्क्वेअर ड्राईव्ह स्क्वेअर ड्राईव्ह करायचा होता बॅट जवळपास पोचवली होती तिथून फुलर लाईन डिलिव्हरी हाताळली गेली होती ती जतीनं दोन जतीन मैदानावरती आहेत एक जतीनं ज्यानं याच मैदानावरची आपण एक मोठी स्पर्धा जी विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग आपण पाहिली होती ती गाजवली होती तो खेळाडू आहे जो एंडला आहे तर दुसऱ्या बाजूला एक जतीन आहे मारामला पाडा टीमचा पहिलं षटक हाताळण्यासाठी नेहमीच त्याला संधी दिली जाते का तर ब्रेक थ्रू मिळवायचं आहे एक विकेट घ्यायचा आहे चांगलं षटक तुम्हाला हाताळायचं आहे तुम्ही जर ब्रेक थ्रू मिळवून दिला तर उर्वरित काम करण्यासाठी बाकीचे तीन गोलंदाज आहेत ते तयार आहेत आपलं कामगिरी करण्यासाठी पण जतीन पाटील अर्थात बंड्या एंडला हो भंड्याचा तो खेळ व्हीजीपीएल मधला खेळ पुन्हा एकदा चालू झालाय स्विच चा स्विच इट चा, सवकार चार धावा स्विचशिट पाहिला तर बरोबर पोझिशन मध्ये आले फुलर डिलीवरती आणि जतीन पाटीलच्या बॅटमधन हा सौकार आलाय अकोट्या चंडू चेंडू होता मागे गेला कट केला चेंडूला पॉईंट रिझन मध्ये फील केलं गे गेला या चेंडूला एक धाव या चेंडूवरती पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय तीस धावांचा पाठलाग करतोय आणि पहिल्या षटकाचा मध्ये धावाय धाफलकावरती दहा एक सवकार जतीन पाटीलच्या बॅटमधला पाहिलाय पुढचा मॅच ज्याचे नाणेफेक केली जाते आणि तिथे आहेत जहीर भाई शुक्रिया तुकाराम जी एक तरफ हम देखेंगे तो अक्षय डोंगर वी ट्वेंटी फोर बॉयस चंद्रसार दोन्ही संघाला हार्दिक शुभेच्छा सन्मानिय जयवंतजी पाटील आहे त्यांच्या शुभ टॉस होतोय हेड्स कॉल केला आपण पाहूया तर टेल्स आलेला आहे आणि नक्कीच नाणेफेकीचा कॉल व्ही ट्वेंटी फोर साहेब आपल्याला विनंती आपण मंथावर जाऊन या सामन्याचा आनंद घ्यावा नाही साहेब असे दोन्ही संघाला एका टू देऊया सम्मान चिन्ह तंदा गौरव करूया एक सम्मान चिन्ह देते हुए हमारे भावने और बाकी में दोनों कप्तान को ये याद रहे एनसीसी ट्रॉफी का एक यादगार ट्रॉफी ज्यादा पूछताछ नहीं होगी वी ट्वेंटी फाइव बॉइस अपना नानीफिकी का कॉल नक्की जिंकले है सामना मैदान सुरू है अपना निर्णय का धन्यवाद अपने दोनों संघाला हार्दिक हार्दिक शुभे दोनों संघाला नेक्स्ट मैच साहब टॉस बॉक्स मधुन व्ही ट्वेंटी फाय बॉईज हा चंदसा या संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय क्षेत्र शिकायला आमदार केलंय म्हणजे या संघाला फलनसाठी आपण जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये तिकडे आहेत आमच्या सगळ्यांची लाडके समालोचक तुकाराम तुकाराम ओ टू कॉम्बॉक्स धन्यवाद व्ही ट्वेंटी फोर चंदनसार व्ही ट्वेंटी फोर बॉईज चंदनसरचा संघ आहे ज्यानं नाणेफेक जिंकले आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला त्यांच्या समोर आहे अक्षीरनेम डोंगरपाडा ज्या संघानं गेल्या वर्षीच्या या स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांक तिसऱ्या भाग क्रमांक विजेतेपद पटकावलं हो तर तोही संग पाहणार आहोत स्विफ केलाय चेंडूला एज लागलाय एज आहे चेंडू वर गेलाय टॉपला गेलाय झेल टीपला आहे विकेट आलाय संगीत येणार या ब्रेक थ्रू ना काय फायदा होणार टीम मारा पड टीमला एक ऐकूया संगीत आणि येऊया मॅचच्या दिशेनं बघा कशा पद्धतीने पहिल्यांदा बाद झाली कसे बघा लोअरफुल टच चेंडू होता स्वीप करायचा होता टायमिंग नाही साधू शकलं थोडंसं सा बॅटच्या कडेवरती लागला टॉपला गेला आणि चांगला झेल तिथून टिपला होता शतरक्षक होती तिथे हर्षद होती आणि हर्षद यांनी एक चांगला झेल टिपलाय पहिला विकेट तिथून गमावलाय टीमनं खास करून रायपाड्याच्या या संघानं आणि ज्या ब्रेक थ्रूची आवश्यकता होती टीम मारामलपाडा आई भाऊ आणि मारामलपाडा टीमला तो विकेट इथून प्राप्त झाला आहे नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल होतोय अक्षय पाटील ज्या खेळाडूचा उल्लेख आम्ही केला होता वीस एकवीस बावीस एप्रिलला याच मैदानावरती एन सी सी ग्रामीण चषक आणि त्या स्पर्धेमधला सर्वोत्तम फलंदाज बेस्ट बॅट्समॅन ऑफ द टुर्नामेंट जो गणला गेला होता बरोबर दोन वर्षाच्या अगोदरची स्पर्धा आणि तिथून ज्यानं चांगली बॅटिंग दाखवली होती चांगली फलंदाजी दाखवली होती तो अक्षय पाटील सायकरेनला सज्ज होतोय अक्षयचा पहिला शेडू पहिल्या शेडूला केला स्वीप केलंय अक्षयची रचना थोडीशी बदलली होती आणि तिथून चांगला फटका केलाय अक्षयनं पहिल्या चेंडू वरती ठोकलाय सौकार दोना जार पर दा, 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 ही दोन हजार बावीस ची स्पर्धा अक्षरशः आपल्या फलंदाजीनं गाजवली होती आणि तेच अक्षय पाटील पुन्हा एकदा ज्यावेळेला बॅटिंगला आले तेव्हा तोच खेळ त्यांना चालू ठेवायचं आहे पहिल्या चेंडूवरती चौकार आता सचिनने एक विकेट घेतलाय एक चौकारी आलाय अजून एक फटका खेळलाय आता क्षेत्र थोडस बदललं मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चेंडू गेलाय चौकार की षटकार पंचाकडनं येणार इशारा पंच तिथून पाहतात आणि इट्स यूज षटकार फोर आणि नंतर सिक्स षटकार अक्षयच्या बॅन म्हण फटका आला आणि या स्पर्धेतला सत्याहत्तरवा षटकार होता सेव्हन्टी सेवन सुंदर फटका सुंदर फटका तिथून खेळला होता आले आले अक्षय असेच खेळतात तीसचा पाठला काय पन्नासचा आहे काय साठचा आहे माहिती नाही पण अक्षयचा खेळ असाच आहे आक्रमक खेळणं अटॅकिंग खेळणं प्रतिस्पर्ध्यावरती कुरवडी करणं हा अक्षयचा खेळ आहे अक्षयचा खेळच असा आहे नाही बघत तीस करायच्या चाळीस खेळायच्या पड्नायचं आहे मी जाणार माझ्या वेगानं जाणार माझ्या आक्रमक केलीनं आणि अक्षयनं फोर सिक्स सिक्स षटकार ठोकलाय मागच्या चेंडूवरती बघतोय आणि या मॅचला म्हणून म्हटलं नाही मॅचला लवकर फिनिश करायचा प्रयत्न तिथून करणार पहिला तर चौका टोकला मग षटका टोकला फुलर लॅन डिलिव्हरी ले ताकद ताकद आहे अक्षयची फटक्या मागे आणि मागच्या तीन चेंडूवरती सोळा धावा आता परत केल्या तर त्या अक्षयन चार धावांची आवश्यकता आहे तिथून मॅचला बघूया फिनिश कसा कर करतात मागच्या तीन चेंडूवरती फोर सिक्स सिक्स अँड अगेन 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 फोर फोर सिक्स सिक्स फोर चार डिजिट चांगले आहेत लकी नंबर आहे आणि या सौकारानं मॅचला आहे अक्षय पाटीलनं दोन हजार बावीसचा तो खेळ तिथून आलेला ते सर्वोत्तम फलदास पारदेशी जिंकलं होतं अक्षय न आणि आताही अक्षयचा खेळ पहा आल तो आला आणि त्यानं फोर सिक्स सिक्स फोर चार चेंडूवरती या मॅचला केलं फिनिश अभिनंदन जयदुर्गा रायपाडा टीम आणि टू आई भवानी मारमलपाडा आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला आपला सुद्धा मनापासून आभार आहे अक्षय ने बघा कशा पद्धतीने या मॅचला फिनिश केलं आहे वीस धफा त्याने केल्या पहिल्या तर हा चौकार आपण पाहिला लेगच्या मधला हा फटका त्यानंतर चेंडूवरती चं, केलेला हा प्रहार आणि मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये आलेला हा षटकार आणि तिसऱ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा इथे तर ताकद होती ताकद होती पूर्णपणे ताकद झोकली गेली होती आणि अजून एक षटकार टोकला होता आणि हा आलाय विजयी सौकार रिप्ले आपण इनिंग बघतोय अक्षय पाटीलची जी वीस धावांची इनिंग चार मध्ये वीस धावा पाचशेच्या स्ट्राईक रेटनं त्यानं धावा केल्यात आणि या मॅचला जिंकलंय तिथून अक्षय पाटील अर्थात टीम जयदुर्गा रायपाड्याच्या संघानं मॅचसमध्ये पाहूया जिथून आई भावाने मारंबरपाडा टीमनं केले कोणतीच धावा चांगलीच सुरुवात होती सुरुवात चांगली होती पंकजनं चांगला एक फटका खेळला होता दहा धावांची त्याची इनिंग सचिनची सात धावांची इनिंग दोन विकेट निशांत भोईच्या नावावरती दोन विकेट अतुलच्या नावावरती एक एक विकेट जतीन आणि दर्पणच्या नावावरती एक एक विकेट आहे आणि पाटला करताना अक्षय पाटीलची जी वीस धावांची खेळी आले दोन खेळाडू आहेत जे मॅन ऑफ द मॅचच्या रेसमध्ये आहेत एक ज्यानं मॅचला फिनिश केले आणि एक